आउटसोर्स के तहत नियुक्ति का विरोध करते हुए सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने आगामी 1 जनवरी से फिर से आंदोलन करने का ऐलान किया है। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि सैनिक कल्याण विभाग में तैनात होने वाले सभी कार्मिकों को विभागीय संविदा पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे दर्जनों कर्मचारियों के समक्ष भविष्य का संकट पैदा हो गया है। बीते 6 माह पूर्व हुए आंदोलन के उपरांत विभागीय उच्चाधिकारियों ने जल्द ही विभागीय नियुक्ति प्रदान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं होने से निराश कर्मचारियों को फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो 1 जनवरी से आंदोलन किया जाएगा। इस आशय का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी तथा प्रदेश शासन को भेजा गया है। देखिए, समस्त सैनिक कल्याण द्वारा उत्तराखंड के जुलाई माह में 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया गया था। इसकी वजह थी कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी समस्त कर्मचारियों को अभी भी उपनल के माध्यम से रखा गया है, जबकि शासनादेश जो जारी हुआ था 2008 में, उसमें क्लियर दिया हुआ था कि समस्त कर्मचारी जो भी एम्प्लॉय होंगे सैनिक कल्याण में, सब विभागीय संविदा या परमानेंट उस कैपेसिटी पे होंगे, नियुक्ति होंगी। लेकिन हमारे विभाग द्वारा अभी तक सबको उपनल के माध्यम से रखा गया है, और जबकि 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया गया था, और अभी सातवें वेतनमान का लाभ भी हमको नहीं दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया था जुलाई में, और हमने शासन को भी लिखित रूप में दिया था, तो वहाँ से आश्वासन मिला था कि आपको 2 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा और अब विभागीय संविदा में आपको ले लिया जाएगा। लेकिन आज 6 महीने बीत गए हैं, 6 महीने बीतने के बाद भी हमको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, इसलिए हमको अब नहीं, हमको जनवरी से 2021 से फिर कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।